नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन पाक। इसको आप एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और आसानी से खा सकते हैं। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है एक कप बेसन, इसको हमने बिना घी के ही भूनना है। इसमें ब्राउन कलर आ जाए, हल्का ब्राउन, तब तक हमने इसको भूनना है। तो टोटल इसमें मीडियम फ्लेम पर आपको 4 या 5 मिनट लगेंगे। इस तरह से देखिए इसमें कलर आ गया है, यही कलर आ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना ही भूनना है। तो 3-4 मिनट लगेंगे आपको। अब बेसन हमने एक साइड निकाल दिया एक बोल में, और उसमें डाल रही हूँ 1/2 कप घी मेल्ट किया हुआ। अगर आप घी नाप के ना डालें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बेसन हमारा अच्छी तरह से घी में डूब जाना चाहिए। अच्छी तरह से मिला देंगे घी में और इसको रख देंगे एक साइड। अब बनाएंगे चाशनी। 1 कप चीनी है और 1 कप ही पानी, और इसको हम अब तेज़ आंच पर उबाल लेंगे। इसमें मैंने डाला है इलायची पाउडर। चाशनी हमने एक तार की नहीं बनानी है, थोड़ा बस चिपचिप होने लग जाए तो इसमें आपको जब फुल फ्लेम पर आप बनाएंगे इसको तो आपको 3 या 4 मिनट लगेंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ केसर। केसर ऑप्शनल है, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल रही हूँ, पर ये ज़रूरी नहीं है डालना। तो 3-4 मिनट आप इसको हाई फ्लेम पर उबाल लेना, बस थोड़ा सा चिपचिप होने लग जाए। अब देखिए 3-4 मिनट मुझे हो गए हैं और ये चाशनी हमारी जैसी चाहिए थी वैसी बनके तैयार है। अब पूरा देखिए तार नहीं बनाए पर हल्का चिपचिप हो रहा है। अब जो चाशनी हमने बनाई थी उसे हम कढ़ाई में निकाल लेंगे और इसमें हम डालेंगे जो हमने घी में बेसन डालकर रखा हुआ था उसको हम डालेंगे। जैसे मैं ये स्टेप बता रही हूँ उसी तरह से आपको बनाना है, तभी ये परफेक्ट बनेगा। और जिनको घी से परहेज है या ऑयल से परहेज है तो उनके लिए तो ये रेसिपी नहीं है। और इसको ऑयल में आप नहीं बना सकते क्योंकि ऑयल में बनाएंगे तो अजीब सी स्मेल आएगी जो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। ऑयल या रिफाइंड किसी में नहीं बना सकते। तो बेसन जब हमारा अच्छी तरह से चाशनी में मिल गया उसके बाद हमने डाला है 1 टेबल स्पून घी। ये घी भी यहाँ डालना बहुत ज़रूरी है, तभी ये सॉफ्ट बनेगा। अगर आप घी नहीं डालेंगे बीच में तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा। तो बस जब अच्छी तरह से घी इसमें मिल जाए फिर हमने 1 टेबल स्पून घी और डालना है। अब घी मिल गया इसके अंदर, आप 1 टेबल स्पून और डालेंगे। तो 1/2 कप हमने पहले डाला और 2 टेबलस्पून घी अब डाला है, तो इतना घी तो इसमें लगेगा। अब देखिए कढ़ाई से बिल्कुल अलग हो गया है ये। अब मैंने इसमें एक बटर पेपर लगाया है थाली में। बटर पेपर ना हो तो आप थाली को चिकना करके भी इसको जमा सकते हैं। अब इसको पलट देंगे, गरम गरम ही पलटना है। और थाली को थोड़ा सा टैप कर देंगे और इसको केवल 5 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए रूम टेम्परेचर पर। 5 मिनट बाद ही आप इसे कट कर सकते हैं। तो 5 या 6 मिनट हुए मुझे, अब मैं इसको काट रही हूँ। बहुत ज़्यादा देर छोड़ेंगे तो फिर ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से जो स्ट्रिप्स हैं इनको हम काट लेंगे और एक एक स्ट्रिप से छोटे छोटे पीस काट कर रख लेंगे। अब इन पीसों को आप एयर टाइट कंटेनर में जब थोड़े ठंडे हो जाएं तो भर कर रख लीजिए और महीनों तक खाइए। जब भी आपका मीठा खाने का मन करे बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बेसन की बर्फ़ी से थोड़ा अलग टेस्ट है, पर बहुत बेसन की बर्फ़ी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो इसे कहते हैं बेसन पाक। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
बेल आइकन प्रेस कीजिएगा नोटिफिकेशन।